साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके तीन अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोस से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। अंजल टैक्स की समस्याओं को खत्म करना और टैक्स फाइलिंग को सरल करना हो, एक्सेस टू क्रेडिट को आसान बनाना हो, हजारों करोड़ रुपए की सरकारी फंडिंग का प्रबंध हो, ये सुविधाएं हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप्स को 9 लेवर और 3 एनवायरमेंट लॉज से जुड़ी कंप्लायंसेस को सेल्फ सर्टिफाई करने की सुविधा दी गई है। डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ एटेस्टेशन से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज 25,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म करने के पड़ाव तक पहुंच चुका है। स्टार्टअप्स सरकार को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस आसानी से दे पाए, इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप रनवे भी बहुत काम आ रहा है।